जय शंकर जी, जय श्री राम, सीताराम, हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि एक बेटा अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो जाता है, पर एक बेटी कैसे अपने माँ बाप के ऋण से उऋण होगी। तो एक गरुड़ पुराण की बात है जो मैं आपको सुना रही हूँ, और ये सुनकर आपको अच्छा लगेगा। उसमें लिखा है कि माता पिता की अस्थियाँ जब बेटा गंगा जी में प्रवाहित कर देता है तो वो बेटा माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है, ऐसा उसमें वर्णन है। वो इसलिए क्योंकि जब तक वो हड्डियाँ गंगा जी में रहेंगी तब तक सूक्ष्म रूप से वह जीव भगवान नारायण के चरणों में आनंद प्राप्त करेगा, इसलिए अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाती हैं। ये तो रही बात बेटों के लिए कि कैसे एक बेटा माता पिता के ऋण से उऋण होगा। फिर अब बेटी कैसे ऋण उतारेगी, उसके ऊपर भी तो ऋण है, क्योंकि माँ ने 9 महीने कोख में रखा है, पिता ने लाड किया, दुलार किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तो ऋण उसका भी तो है। बेटियां माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त होंगी, ये ब्राह्मण पुराण में लिखा है कि बेटियां अपने माता पिता के ऋण से उस समय मुक्त हो जाती हैं जिस समय माता पिता को अपनी बेटी का कन्या दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। वह दिन माँ बाप के लिए इतना बड़ा दिन होता है जिस दिन मंडप के नीचे कढ़ाई सामने रखी हुई होती है और माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे होते हैं। लेकिन ये कन्यादान तब पूर्ण माना जाता है जब माता पिता अपनी बेटी के लिए खुद वर ढूंढते हैं, क्योंकि वर ढूंढने का अधिकार हर माता पिता का ही होता है। इसलिए बेटी बेटा कोई भी हो, अपने माँ बाप से ये अधिकार मत छीनना, क्योंकि जिस दिन ऐसा होगा उस दिन हर बेटी बेटा अपने माता पिता के ऋण से उऋण हो जाएगा। हर हर महादेव।